जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हुए और इसे केंद्र शासित प्रदेश बने 2 साल हो चुके हैं। इस वजह से घाटी की फिजाओं में बदलाव की आबोहवा को महसूस भी किया जा सकता है। जिस कश्मीर घाटी में कभी पत्थरबाजों की हिंसा और आतंकी मुठभेड़ में गूंजने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, वहां आज भारत का राष्ट्रगान गूंज रहा है। सेना के ऑपरेशन क्लीन के चलते आतंकवादियों के हो रहे सफाए और श्रीनगर के लाल चौक को तिरंगे के रंग में रंगा भी पहली बार देखा गया है। कश्मीर में हालात किस कदर बदले हैं, इसका अंदाजा इस वायरल वीडियो से भी लगाया जा सकता है। दरअसल आज देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से तिरंगा फहराए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन्हीं में जम्मू कश्मीर का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रहे बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पुलवामा जिले के एक स्कूल में हुए कार्यक्रम के दौरान तिरंगा फहराया, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। अधिकारियों की माने तो बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी पेशे से स्कूल के हेडमास्टर हैं। त्राल में मौजूद एक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने देश की शान तिरंगे को फहराया। इस दौरान उन्हें राष्ट्रगान जन गण मन भी गाते हुए देखा जा सकता है। देश को आज आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं और 75वां साल अब शुरू हो गया है। इसीलिए इस साल को देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सभी स्कूलों और सरकारी विभागों में तिरंगा फहराया जाने के आदेश दे दिए गए हैं। बुरहान वानी त्राल का रहने वाला था। काफ़ी छोटी उम्र में ही वो हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ गया था और जल्द ही आतंकियों का पोस्टर बॉय भी बन चुका था। जब बुरहान का आतंक घाटी में फैलने लगा तो 8 जुलाई 2016 को सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। ऐसा माना जाता है कि बुरहान को उसकी गर्लफ्रेंड के सहारे बुलाया गया था। वो जिस मकान में था उसे आग के हवाले कर दिया गया था। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।